मैं डॉक्टर अभिराज मात्रे, वाइस प्रेसिडेंट सायन मार्ड। देखा जाए तो अभी लगभग एक साल हो चुका है जिसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं तीन बैचेस रहती है, उसमें से अभी तक एक बैच फ़िलहाल नीट पीजी काउंसलिंग के वजह से जो उसमें देर हो रहा है उसके वजह से ज्वाइन हो नहीं पाई है। इसके वजह से अभी हमने ऐसे डिसीजन लिया है कि हम लोग महाराष्ट्र में ओपीडी सर्विसेज बंद रखें, पर इसमें हमने मरीजों का ध्यान रखने के लिए ये भी देखा है कि उनको कुछ इमरजेंसी सर्विसेज जो आपातकालीन सुविधाएं मिली जाए, उसके वजह से सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं है। आप कैजुअल्टी में देखें, अगर आपातकालीन विभाग में जाके देखेंगे तो उधर हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं। ओपीडी में भी अगर कुछ इमरजेंसी रहता है तो उधर भी हमारे अध्यापक और प्राध्यापक अभी भी बैठे हुए, तो मरीजों को कुछ भी तकलीफ ना हो इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। और हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही अपील करते हैं कि हमारी जो भी कुछ केसेस पेंडिंग है वो फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द डिसीजन दिया जाए और नीट पीजी का जो समुपदेशन है वो जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए।